तो दोस्तों, आगे मैं आप लोग के लिए एक और अनंत का वीडियो लाया हूँ, जिसमें कि आप लोग दो कलर में अनंत बनाना सीखेंगे हम लोग। और ये जो आप लोग देख रहे हैं, एक पिंक कलर लिया हूँ और एक ब्लू कलर में लिया हूँ। और अगर आप लोग को ये अनंत बनाना है तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं बताऊँगा कि इसमें कितनी गांठ पड़ेगी और कितना गांठ पड़नी चाहिए। तो ये आप लोग ध्यान में ज़रूर से रखिएगा। तो फ्रेंड्स, देखिए, सबसे पहले हमको ऐसे करके बहुत बड़ा धागा ले लेना है, क्योंकि हम लोग जब अनंत बनाएंगे तो वो बहुत बड़ा बनेगा, इसीलिए, ताकि हाथ को भी कवर कर सके पूरा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमको क्या करना है, तो यहाँ पे ऐसे करके उंगली पे रखनी है और इसमें से दोनों कलर को छांट देनी है, अलग अलग करके रखनी है दोनों कलर को, ताकि हम लोग को पता चले ये डिजाइन जो बनेगा वो कितना अच्छा बनेगा और कितना अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हाथ पे इस तरह से लपेट लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, तो इसको उंगली में से निकाल के और इसको उल्टा कर देंगे। अब उल्टा करने के बाद क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग का जो ये ब्लू कलर है, उसको इस होल में से डाल के उस तरफ लेके जाना होता है। और इसमें ब्लू कलर ही मैं लेके जा रहा हूँ। अगर आप लोग के पास दो कलर होगा तो कोई एक को ब्लू मान के चलिए, कोई एक को होल में से लेके जाना है, कोई एक को ऐसे करके खींचना है, ऐसे ही करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, एक नोक बन गया है। अब हम लोग को क्या करना है, तो फिर से इसको उंगली पर से निकालना है और इसको इस तरह से उलट देना है। और उलटने के बाद क्या करना है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ये ब्लू वाला हम लोग खींचने के लिए रखे हैं, तो ये पिंक वाला जो है उसको क्या करना है, लपेटना है, और लपेट करके इस होल में से उस तरफ लेके जाना है, और इसको उस तरफ ले जा करके रख देंगे, और इसको क्या करेंगे, टाइटली खींच देंगे। तो जब हम इसको खींचेंगे तो यहाँ पे नॉक बनना शुरू हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। और ये अलग अलग कलर है तो इसमें पहचानने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी और हम लोग ईजिली कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, हर बार ब्लू कलर को कभी इसको कभी उसको ऐसे करके लपेटना है और इसमें से निकाल करके उस तरफ लेके जाना है। और फिर क्या करेंगे, यहाँ पे ये खींच देंगे। यहाँ पे पिंक कलर से हम लोग ने क्या किया, खींच दिया है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, अब यहाँ पे ब्लू वाला कलर बचा है, तो इसको अब खींचेंगे, और ये पिंक वाला जो कलर है इसको हम लोग क्या करेंगे, होल में से डाल के उस तरफ लेके जाना है। मतलब एक बार पिंक वाले को होल में लेके जाना है और एक बार ब्लू वाले को, ऐसे ही करके हमको इसको बनाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर इसको खींच देंगे। अब यहाँ पे ठीक आप लोग देख सकते हैं, अब पिंक वाला कलर आ गया है यहाँ पर खींचने के लिए। तो हम लोग अब क्या करेंगे, ब्लू वाले कलर को इसमें डाल करके और उस तरफ कर देंगे, और फिर इस पिंक वाले को हम पकड़ के खींच देंगे। तो ऐसे ही करके हमको इसको बनाना है, और इस बात का आप लोग ध्यान में रखिएगा। और देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे गांठ बनना शुरू भी हो गया है। तो कुछ देर बनाते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसमें कितनी गांठें पड़ेंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग ने 10 नॉक्स बना लिए हैं, और आप लोग देख सकते हैं ये अनंत देखने में कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, ये दो कलर का। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या करना है, तो फ्रेंड्स मैं फिर से बता रहा हूँ क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए, ब्लू वाला जो हम लोग का जो है उसको क्या करना है, इस होल में से ले करके उस तरफ ले कर जाना है। और जब हम इसको उस तरफ ले कर चले जाएँगे तो फिर क्या करना है, हम सभी लोग जानते हैं उसके बाद हमको क्या करना है, तो एक को खींचना है। तो इसको हम लोग खींचेंगे और फिर एक दूसरा होल बन के तैयार हो गया, और इसको उल्टा कर देंगे। और हम लोग इसको उल्टा करने के बाद क्या करेंगे, तो इसको इस होल में से लेकर के ले जाएंगे पिंक वाले को उस तरफ। जब पिंक वाला उस तरफ चला जाएगा तब हम लोग को क्या करना है, फिर से इसको टाइट कर देना है। अब यहाँ पर फिर से बन गया, और इसको उल्टा करके हमको ले आना है, ताकि दूसरा फिर हम लोग बांध सकें। अब यहाँ पे फिर हमको क्या करना है, तो ऐसे करके इसमें से डाल के उस तरफ लेके जाना है,
अब इस तरफ ये फिर से चला गया, तो हम लोग क्या करेंगे पिंक वाले को खींच देंगे, तो जिससे ये टाइट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग को काउंट करना है कि कितना बन रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बना है, 13 बन गया है। अब हम लोग को एक और बनाना है इसमें, यानी कि टोटल 14 हमको बनाना होता है, नॉक इसमें डालना होता है। ये हम लोग का रूल है, 14 से ना ही कम होना चाहिए और ना ही ज़्यादा होना चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान में रखिएगा। ऐसे करके टाइट कर देंगे तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा, 14 यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। एक बार और करेंगे तब यहाँ पे ये 14 हो जाएगा कंप्लीट। अब जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब क्या करना है, तब हम लोग को दोनों तरफ से टाइट से खींचना है, जिससे ये क्या हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये अनंत बनके कंप्लीट हो गया है। और फ्रेंड्स ये देखिए आप लोग को देखने में कितना ज़्यादा सुंदर ब्यूटीफुल लग रहा होगा। और फ्रेंड्स मैंने एक और बनाया है तो वो भी आप लोग को दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं ये एक और अनंत है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये भी 14 नोक वाला एक और दूसरा अनंत है, जिसमें कि हम लोग चोटी भी बना दिए हैं। अगर आप लोग चोटी बनाने वाला वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स ये देखने में कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, अगर आप लोग को बनाना हो तो आप लोग इसको बना सकते हैं।